हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एमके एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, रेलवे ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि आपकी जो एग्जाम थी साइको की, वो 10 मई को लगने वाली थी, लेकिन क्या है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया है कि अब आपकी एग्जाम्स 10 तारीख को नहीं लगने वाली है। तो आखिर अब किस डेट को आपकी एग्जाम लगेगी, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हो कि रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो आपके सामने स्टाफ से यहाँ पे खुला हुआ है, और ये आपका डेट जो पब्लिश की गई थी वो आपको 7 तारीख को ये पब्लिश की गई थी। इसमें आप देख सकते हो कि आपकी CN01 2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियंस साइक्लोन फैनी पोस्टपोन्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो एग्जाम थी वो आपकी पोस्टपोन्ड कर दी जाती है। तो पोस्टपोन्ड करने का मतलब ये कि आपकी 10 तारीख को जो एग्जाम होने वाली थी वो आप 10 तारीख को ना लग के बल्कि आगे की डेट में लगने वाली है। तो क्यों उन्होंने पोस्टपोन्ड की, सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बुलाया है आपका सीधे तौर पर साइक्लोन फैनी, यानी कि आप देख सकते हो कि आपकी जो उड़ीसा है और आपका बंगाल है वहाँ पर आपका साइक्लोन फैनी आया हुआ है। वहाँ पर फैनी के आने की वजह से वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया है, और वहाँ पे आपके विद्युत आवृत्ति और बहुत से जो कार्य थे वो आपके अवरुद्ध हो गए, इसी की वजह से आपकी एग्जाम पोस्टपोन कर दी जाती है। ठीक है, उन्होंने इसी नोटिफिकेशन में यही बोला है कि ड्यू टू साइक्लोन फैनी लार्ज स्केल ऑफ डेविस्टेशन हैज अकर्ड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ऑल इम्पोर्टेंट सर्विस सच एज रेल एंड रोड कम्युनिकेशन पावर सप्लाई वाटर सप्लाई एंड मोबाइल इंटरनेट ETC हैव बीन बैडली अफेक्टेड, यानी कि जो आपका साइक्लोन फैनी आया हुआ है उसकी वजह से क्या आपका रेल से संबंधित हो, चाहे आपका वाटर सप्लाई, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, सब कुछ बाधित कर दिया, जिसकी वजह से आपके एग्जाम 10 मई को लगना संभव नहीं है। तो इस वजह से क्या आपका ये सब कुछ पोस्टपोन किया जाता है। फिर उन्होंने बोला यहाँ पे इन व्यू ऑफ द अबव कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT शेड्यूल ऑन 10/5/2019 इन द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर और कटक, बैरमपुर एंड संबलपुर अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट भुवनेश्वर, यानी कि जो भुवनेश्वर के अंदर जो आपके भुवनेश्वर हुआ, चाहे कटक हुआ, चाहे बैरमपुर हुआ और संबलपुर हुआ, और साथ साथ में बालासोर सिटी जो कि आपके कोलकाता जोन में आता है, तो इन सिटियों में आपके एग्जाम पोस्टपोन कर दी जाती है। जिन कैंडिडेट्स ने भुवनेश्वर, कटक, बैरमपुर, संबलपुर और बालासोर सिटी के अंदर अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ था या फिर उनका सिटी सेंटर आया हुआ था एग्जाम के लिए ALB के लिए, तो वे आपकी पोस्टपोन कर दी जाती है, और इसकी सूचना वो आपकी संबंधित मेल ID पे और मोबाइल पर भी उन्होंने इसके बारे में सूचना दे दी होगी, तो जिसका आप हमने मैसेज देख लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से क्या है कि ये एग्जाम आगे पोस्टपोन कर दी जाती है, और जो बकाया कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर लिखा है जो बकाया कैंडिडेट्स हैं, यानी कि इनको छोड़कर, यानी कि भुवनेश्वर, कटक, बैरमपुर, संबलपुर और बालासोर सिटी जिनमें इनका सेंटर आया, इनको छोड़ के बकाया जो जितने भी सेंटर हैं उनकी एग्जाम यथावत अपनी 10 मई को ही लगने वाली है। ठीक है, तो उनकी डेट, उनकी एग्जाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, वे अपनी यथासंभव अपनी जो डेट है आपकी 10 मई को उसी डेट में आपकी एग्जाम लगने वाली है, और वे उसी डेट में अपने एग्जाम सेंटर पहुँचे और एग्जाम दे। केवल इन सिटियों पर जो आपको इंडिकेट किया है, इन सिटियों में एग्जाम आपकी नहीं होने वाली है। वो क्यों नहीं होने वाली है, वो फानी के चक्कर में। ठीक है, तो इनकी जो एग्जाम डेट है वो बाद में कनेक्ट करवा ली जाएगी, और बाई कदा उन्हें एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी करके बता दी जाएगा, और आपको मोबाइल है हो चाहे आपका ईमेल हो उसके माध्यम से भी सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी, और इन्हीं कैंडिडेट्स की आपकी 10 मई को एग्जाम लगने वाली नहीं है। तो बस फ्रेंड्स, यही सूचना मुझे आपको देनी थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते किसी नई न्यूज़, तब तक के लिए बाय।